हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एंड एक्सेल आइडियाज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलें गाइस, आज हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में पैकेज कंट्रोल में से कलर पिकर पैकेज को इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसका क्या यूज़ है। सबसे पहले हम प्रेफरेंसेस में जाके पैकेज कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास खुल गया है इसका इंस्टॉलेशन बॉक्स। यहाँ से हम अपने पैकेज का नेम लिखेंगे, कलर पिकर। ये देखिए, मैंने कलर और पी लिखा और नीचे सेकंड नंबर पे आ गया कलर पिकर, तो हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे आप देख सकते हैं तो इंस्टॉल हो रहा है कलर पिकर। और यहाँ पे स्टाइल दो शीट, स्टाइल वाली जो शीट है उसमें हम कलर लिखेंगे और दूसरे जो टेक्स्ट एडिटर हैं उनके अंदर हमें कलर का कोड लिखना पड़ना था। पूरा कोड लिखते थे तब जाके कलर अप्लाई होता, तो इसमें हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ा। इसके अंदर ये देखिए, हमें टूल के अंदर मिल गया कलर पिकर, कंट्रोल शिफ्ट और सी, इसके साथ हम कलर पिकर वाले मेन बोर्ड खोल सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, उसका कोड ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, हमें कहीं से भी ब्राउज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन सा कलर ब्राउज़ करना है। तो ये देखें, ये देखें, मैं अभी लिखता हूँ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का कलर जो भी हम लगाना चाहें, तो कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करेंगे तो हमारे पास कलर पिकर का खुल जाएगा। ये देखें डायलॉग बॉक्स, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, ये देखें कलर पिकर अगेन खुल गया है। और मैं टूल से भी आपको बता देता हूँ, टूल के अंदर कलर पिकर हमें ये मिल गया है थर्ड नंबर पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कोई भी कलर चूज़ करके हम ओके पर प्रेस करेंगे तो उसका जो कोड है वो हमारे पास आ जाएगा। दूसरे टेक्स्ट एडिटर में हमें पहले वेब ब्राउज़र से सर्च करना पड़ता था कि इसका कलर कोड क्या है, फिर हम उसको ऐड कर सकते थे।